अभी आजकल समाज में बहुत बड़ा हो रहा है एंड यू आर एक्चुअली प्लेइंग दैट रोल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं. यू आर एसोसिएटेड विद विकीज एज अ स्टेट प्रेसिडेंट, आप अवेयर में प्रेसिडेंट हैं. दिस इज द यू हैव टेकन द स्ट्रॉन्ग स्टेप मरुधर मथुरा समाज में आप एसोसिएट हैं. What you feel कि दुनिया में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए, when we talk about the women, क्या potential, कैसे वो अपना potential बाहर निकाल सकते हैं? Wow, I really really appreciate कि आपने मुझसे ये question पूछा, क्योंकि ये मेरे दिल के बहुत अजीज हैं. ये this is very very close to my heart. So, as you know, I'm a first generation entrepreneur. In fact, मेरे खानदान में दूर दूर तक कोई भी business person नहीं था. तो जब हमने बिजनेस शुरू किया तो बहुत ट्रायल एंड एरर रहा, बहुत सीखना पड़ा और बहुत जगह थोड़े से गलतियां भी करी, मिस्टेक्स भी करी एंड वी लर्न थ्रू इट. ऑफ कोर्स दैट हैज बीन अ वेरी बिग एक्सपीरियंस, बट व्हाट आई फेल्ट वाज दैट अगर हमें पूरे समाज में कोई भी बदलाव लाना है तो वो हमारा जो 50% ऑफ द पॉपुलेशन है, दैट इज ऑफ वुमेन, वी हैव टू वर्क टू एम्पावर देम. ऐसा नहीं है कि उनमें टैलेंट नहीं है या पोटेंशियल नहीं है, जैसे कि आपने कहा उनका पोटेंशियल को बाहर लाने की, उजागर करने की आवश्यकता है. सो पोटेंशियल एंड टैलेंट इज देयर. नाउ ऑफ कोर्स थ्रू द एजेस वुमेन हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, बट व्हाट आई फेल्ट वाज फॉर एनी वुमन टू कम आउट ऑफ दिस इज दैट स्ट्रेंथ हैज टू बी इन हरसेल्फ. और वो कैसे आएगा, वो खुद अपने आप को उस दलदल से निकालें. और उस दलदल से को निकालने के लिए यस यू विल हैव अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, रूल्स, लॉज, एवरीथिंग इज देयर इन प्लेस इन द कंट्री, बट वो सारी इंफॉर्मेशन उन तक नहीं पहुंच रही है. सो ये जितने भी आपने नाम लिए, चाहे विकी अवेयर या मरुधर माधव समाज है या और भी बहुत सारी ऐसी एसोसिएशंस के साथ मैं लगी हुई हूँ, तो बस यही है कि उन महिलाओं तक हमें ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करनी है, पहुंचानी है कि आपके लिए बहुत सारे सब्सिडीज, बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते. दूसरी चीज़ ये है कि एक वुमन अपने आप पे बहुत डाउट करती है, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या ये मेरे अंदर है जो मेरे से हो पाएगा, शायद मैं नहीं कर सकती, मे बी आई एम नॉट क्वालिफाइड इनाफ, मे बी आई एम नॉट एजुकेटेड इनाफ. आजकल जो एक वर्ड बहुत फेमस हो गया ना, लिमिटिंग बिलीव्स. एब्सोल्युटली, दिस काइंड ऑफ इम्पोस्टर सिंड्रोम, नो, लाइक इवन इफ यू हैव अ गुड पोजिशन यू फील मे बी आई विल नॉट बी एबल टू डू गुड जस्टिस टू इट. अभी क्योंकि आपने ये बात कही, अभी रिसेंटली एक लेडी मेरे पास आई जो कि एक सीनियर मैनेजर लेवल या मिडिल लेवल मैनेजर से वाइस प्रेसिडेंट प्रमोट हुई, एंड शी सेड मे बी ये लक है, मे बी ये, अरे ये कुछ नहीं है, आपने इतना समय इतना टैलेंट इस कंपनी को दिया है, ये एक रिकग्निशन है आपके लिए. लेकिन एक लिमिटिंग बिलीफ कि मैं कैसे बन सकती हूँ या मुझे क्यों ऐसे चूज किया गया, मुझे तो फाइनेंस नहीं आता, मुझे तो मैथ्स नहीं आती, मुझे ये नहीं आता, मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, तो ये एक कॉन्स्टेंट नेगेटिव चैटर जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वर्तिका, दैट इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ डैमेज, नॉट ओनली टू आवर सेल्फ बट टू आवर सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ एंड फाइनली टू सेल्फ कॉन्फिडेंस. ठीक है, तो उस लिमिटिंग बिलीफ को हमें एड्रेस करना है कि भाई ये जो सोच है आपकी कि आप नहीं कर सकते या इट इज नॉट पॉसिबल, उस पॉसिबिलिटी को, उस पॉसिबल चीज को हमें पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट करना है. वो मेरा काम है या वो हम लोग ये इन एसोसिएशंस के थ्रू, चाहे वर्कशॉप्स हों चाहे वेबिनार्स हों, उनके थ्रू करते हैं. जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारी महिलाएं, आपको बहुत ताज्जुब होगा ये जान के कि जो इंडियन वुमेन, जो वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, 13.8% विच इज लेस देन 14% वुमेन आर टूडे एक्चुअली इन द वर्क फोर्स. और यही अगर मैं आपसे बोलूं कि वुमेन एट द टॉप, विच मींस इन द बोर्ड रूम्स या वुमेन ओनिंग कंपनीज, अब जैसे फॉर एग्जांपल नाइका की न्यूज आती है तो वो एक बहुत बड़ी न्यूज बनती है. क्यों? क्योंकि महिलाएं उस लेवल पे है नहीं, तो वो इतनी बड़ी न्यूज क्यों बन रही है? क्यों? हमारे जो बुद्धि में या हमारा जो ब्रेन पावर है, इट इज नो लेस देन एनीबॉडी एल्स, राइट?
So just the fact that we are considered as the weaker sex or a fact that we may not know finance, तो ये एक स्पेशली मेरा फोकस है टू मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. और जैसे ही जो पर्स स्ट्रिंग कंट्रोल करता है वही डिसीजंस कंट्रोल करता है. तो जिस दिन उसको ये पावर आ जाएगी कि हाँ मुझे फाइनेंस समझ आता है, मुझे इन्वेस्टमेंट समझ आता है, मुझे टैक्सेस समझ आते हैं, तो उस दिन वो बहुत बहुत पावरफुल हो जाए. मीता मैम, यू आर इवन हेल्पिंग brands, helping to come out with new startups, and you are giving them business strategies. So what's the role there you are playing? बस ये एक कम्युनिकेशन का एक थोड़ा हायर स्टेप मान लीजिए आप. रीज़न बीइंग कि जब भी आप कोई एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, आप कोई वैल्यू एडिशन कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए या क्लाइंट्स के लिए, तो इन सब में एक रेंज ऑफ कम्युनिकेशन आती है. क्योंकि आप जब एक स्टार्टअप हैं तो आपकी टीम के साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं. और आप देखेंगे कि आजकल तो स्टूडेंट्स स्टार्टअप करते हैं, बहुत यंग पीपल स्टार्टअप करते हैं, सो उनको वो एक्सपीरियंस ही नहीं है कि एक टीम को कैसे लीड किया जाता है, क्योंकि ये सब बहुत एक्सपीरियंस से आता है. और मैंने कहा आपको कम्युनिकेशन और लीडरशिप जो है वो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है. सो ये एक मेरा काम है कि मैं लोगों तक ये पहुँचाऊँ कि हाउ टू बी एन इफेक्टिव लीडर, हाउ यू टॉक टू योर क्लाइंट्स, हाउ यू टॉक टू योर टीम, आप कैसे टीम बिल्ड करेंगे. दूसरी चीज, जब आप क्लाइंट के सामने अपना प्रोडक्ट रख रहे हैं तो जो ब्रांड आपने किया है वो ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं अगेन कम्युनिकेशन का एक पार्ट है. तो क्या आप एक बहुत अच्छे से अपने वैल्यूज जो हैं, आपकी कंपनी के जो USPs हैं, आपके जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटीज हैं, क्या आप उसे अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. क्योंकि आपका क्लाइंट समझना, आपका ऑडियंस कौन है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. उस ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करना, उसकी इवैल्यूएशन करना, उसकी लैंग्वेज समझना, वो कौन सी टोन और वॉल्यूम समझते हैं. अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो यंग पीपल के लिए है तो आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल यंग लैंग्वेज होगी. इसी तरह अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो रिटायर्ड पीपल के लिए है या कोई मेडिकल इश्यूज के लिए है, तो आपकी लैंग्वेज और आपका जो टोन है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. सो ऑल ऑफ दीज आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजीज दैट आई मेक देम अवेयर ऑफ. We take specialized sections and where we talk of how you have to understand the audience before you even make any communication. Pitch, जैसे कहते हैं ना pitch. Elevator pitch, yes. Elevator pitch या business pitch तो एक उस वक्त आती है जब आपका ये सारा जो खाका है या जो structure है वो तैयार हो जाता है और फिर आप investor के सामने आते हैं और अपनी pitch रखते हैं. सो दैट इज द फाइनल पॉइंट. मोस्टली पीपल थिंक ये कम्युनिकेशन कोच वहीं काम आता होगा जब उनको एलिवेटर पिच देना है. मतलब एनालाइज करना, बैकग्राउंड पूरा तैयार करना, फिर मतलब वहां से ही कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है. बिल्कुल बिल्कुल. देखिए आप कौन सा कलर यूज कर रहे हैं अपनी ब्रांडिंग में, आपने अपने प्रोडक्ट का क्या नाम रखा है, ये सब डिपेंड करता है कि आपका ऑडियंस कौन है. हर एक चीज, एज आई सेड, यू आर कम्युनिकेटिंग ऑलवेज. सो आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ पोजीशन करेंगे, आपका प्रोडक्ट किन स्टोर्स में अवेलेबल होगा, आपकी ब्रांडिंग क्या होगी, आप कौन सी टैगलाइन यूज करेंगे, ये सब चीजें भी कम्युनिकेशन है, नॉट जस्ट एलिवेटर पिच. सो एक स्टार्टअप के लिए, एंड स्पेशली एज आई सेड, जो स्टार्टअप के आइडियाज जो आजकल लेके आ रहे हैं, दे आर अ वेरी यंग क्राउड एंड दे डू नॉट हैव दैट एक्सपीरियंस that comes with age or with the exposure of having traveled so much and having worked in MNC for such a long time. So wo experience main share karti hu bachchon ke sath, wo bahut enjoy karte hain. Jo mere sessions hote hain wo bahut fun hote hain. Hum bahut case studies usme use karte hain, national international case studies, aur hum bahut role modeling karte hain aur usme bachche bahut enjoy karte hain. Ma'am humne kabhi aise socha hi nahi tha. यू नीड टू थिंक. और वो जो चीजें हैं वो उनके ब्रेन में इनग्रेन हो जाती हैं, क्योंकि उनको दे लर्न थ्रू डूइंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है उनके लिए, एंड दे एंजॉय अ लॉट. और उनके साथ मैं भी एंजॉय करती हूँ सर, तो मेरे लिए बहुत मजा है ये. मुझे आज भी याद है मैम कि जब मैं आपसे मतलब कनेक्ट हुई थी पहली बार कॉल में, मुझे बस एक बार बार एक वो होती थी, आई हैव टू मीट हर. ओके, मुझे मिलना है इनसे. हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. आई एम सो टच्ड, आई एम सो ऑनर्ड. वो इंस्टिंक्ट मेरे अंदर में आता था, दिस इज व्हाट आई हैव लर्न फ्रॉम यू, गेट कनेक्टेड.
और व्हेन आई एम फॉलोइंग यू तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि नेटवर्किंग एंड कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि जब आप हो एज अ सर्विस पर्सन या फिर प्रोडक्ट में तो व्हाट इट इज नेटवर्किंग. हम नेटवर्किंग को नेगेटिव कॉनोटेशन देते हैं. मैं इसे बोलना चाहती हूँ रिलेशनशिप बिल्डिंग. आप कभी भी किसी भी सर्विस के लिए जाते हैं, मान लीजिए आपको इंश्योरेंस लेना है या आप किसी बैंकिंग सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप कोई सूट भी खरीदने जा रहे हैं, तो आप उस शॉप में जाते हैं जहाँ आप कंफर्टेबल होते हैं, जो लोग आपको पसंद होते हैं. आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं और उनकी एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छी होती हैं, उनकी कॉम्पिटेंसीज बहुत अच्छी होती हैं, उन्होंने दुनिया भर की सर्जरीज करी हुई होती हैं, उन्होंने विदेशों से पढ़ा होता है, लेकिन आप फिर भी उस डॉक्टर के पास नहीं जाते. आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देता है, जो आपको कंफर्टेबल फील कराता है, जिसको आपको पता है कि मैं फोन करके पूछ सकती हूँ कि सर अब मेरे को ये हो रहा है, अब मैं क्या करूँ. राइट. बहुत अच्छा आपने पकड़ा कि रिलेशनशिप, नेटवर्किंग, ऑल ऑफ दीज आर बेस्ड ऑन अ सिंगल वैल्यू एंड दैट इज ट्रस्ट. एंड ट्रस्ट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इमिजिएटली डू इट. इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवियरेंस. यू नीड टू कीप वर्किंग ऑन इट. ठीक है. लेकिन आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज से, अगर इवन इफ अगर आपने कभी भी कोर्स नहीं किया है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का या बॉडी लैंग्वेज का, स्टिल यू गेट दैट वाइब कि यार मैं वहाँ गई, मुझे अच्छा वाइब नहीं मिला, मुझे अच्छी रिस्पांस नहीं मिली, या मुझे कोई अच्छा कनेक्शन नहीं मिल पाया वहाँ जाके. तब ये क्या है, ये सब एनर्जीज हैं जो आपको उनसे मिल रही हैं, जो कि वाइब है जो आपको मिल रही है. दैट इज ऑल थ्रू ट्रस्ट. है ना, ये ट्रस्ट आप कितना कर पा रहे हैं. कई बार आपको बहुत अच्छे लोग मिलते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक रहता है कि शुड आई ट्रस्ट और नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन. सो व्हाट इज दैट, उसने कम्युनिकेट, भाषा, लैंग्वेज बहुत अच्छी बोली, लेकिन यू स्टिल नॉट ट्रस्टिंग दैट पर्सन, एंड दैट इज द एनर्जी दैट हैज कम थ्रू इट, और वो बेसिस होता है ट्रस्ट का. सो यस, बिल्ड अ लॉट ऑफ नेटवर्क, टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल. अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी सर्विसेज में हैं, so I always say go talk about your product, advocate for yourself, voice out your opinion. आप दुनिया के लिए गिफ्ट हैं और आप अपना गिफ्ट लोगों के साथ कम्युनिकेशन के थ्रू ही शेयर कर सकते हैं. आप जो ये जर्नी इस अर्थ के ऊपर स्पेंड करने वाले हैं, वो दूसरों के साथ जब आप शेयर करते हैं, तो वो शेयरिंग आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू होती है, चाहे आप अपने बच्चों के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ. ये जर्नी जो आप शेयर कर रहे हैं, दैट इज रिलेशनशिप, दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन, दैट इज थ्रू बिल्डिंग अ ट्रस्ट.